अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको पुदीना और इमली की चटनी बनाना सिखा रहे हैं, तो हम अपनी रेसिपी हम शुरू करते हैं। हमने हरा धनिया लिया है एक गट्ठी, और ये पुदीना हमने इसके पत्ते निकाल लिए, और ये मिर्ची ली हमने 7 से 8, और ये लहसुन लिए, और ये इमली है। इमली को हमने भिगो दिया पानी में। ये नमक है 1/2 टीस्पून, हाफ टी स्पून हमने ज़ीरा लिया है, और 6 से 7 अदद हमारी साबुत गोल लाल मिर्च है। ये सबसे पहले हम इमली का गूदा डाल देंगे। इसमें से हमने इमली के बीज अलग कर लिए। ये हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें, और बाकी है ज़ीरा। ये हमने अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये चटनी हमने ग्राइंड कर ली है। इसको हम 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए फ्रिज में सेव कर सकते हैं। हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।